आपका माल है, जोगी जी उनके कोई कजन ब्रदर हैं, शायद भाई ही लगते हैं, उनका ही माल है, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं। सलामत कैसे आप सब, आप सबको अंजी की तरफ से एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। बज रहे सुबह के 9 बजे, बजे अभी 8:30 हैं, तो हम उठ गए क्योंकि उठना लेट था, पर जो पीछे गाड़ियाँ थी ना, हमने रात को जो यहाँ पे था ना वॉचमैन जो चौकीदार, उसको हमने बोला कि सुबह हमें आराम से उठेंगे, हमारी गाड़ी वहाँ पे खड़ी करो जहाँ हमें डिस्टर्ब ना हो, सुबह को उठाए ना। पर पीछे गाड़ियाँ थी उस्ताद जी, और उनकी भी गलती नहीं, उनको भी जल्दी निकाल, उनको साइड से नींद खुल गई, मैंने बोला नहा लेते हैं, कपड़े वगैरह भिगोए थे यहाँ पे, बस यहाँ पे नहाते हैं, पहले नहा धो के फ्रेश होके करेंगे ब्रेकफास्ट अच्छे से। गाइस मेरा नहाना धोना तो हो गया, टायर वाला पता नहीं आया नहीं आया, ग्रीस वाले तो आ गए, देखा टायर वाला आया, चपनी खोल दी हमने, जो कल रास्ते में आते हुए पंचर हुआ था टायर हमारा, एक कुछ छोटा सा पंचर, और ये व्हील कब भी टूट गया अपना एक, चलो देखते हैं नेक्स्ट चक्कर इसका भी। देखो नहा दो के भाई पूरा फ्रेश, अब ठंड लग रही थी अब नहीं लग रही भाई यार, क्योंकि ये अंदर इंदर पहना ना काफ़ी गर्म है। यहाँ पे और भी कश्मीरी गाड़ियाँ थी, जम्मू की गाड़ियाँ थी 2-4, सब चलेगी, बस ये गाड़ियाँ बची हैं, हम 2 ही बचे बस, और हम थोड़ा निकलेंगे 11 बजे तक ब्रेकफास्ट करके आराम से, फिर टेंशन नहीं है, कहते तो कपड़े भी थोड़े हमारे सूख जाएंगे ना, अंदर रखने लायक हो जाएंगे, नहीं तो अंदर उन पर ना फिर स्मेल आने स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ से जैसे वो छोटी लाइट है, ये लाइट यहाँ से टूट गई है, इस पर वोल्ट टूट गया, इसको भी लगाना नहीं अब। साहिल भाई तो सो रहे हैं अभी, तो मैंने राजेश को बोला मैं एक गाड़ी तो चला एक मैं चलाता हूँ, जब तक उठते तो टाइम से पहुँच जाएंगे राजेश और गौरव के ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो मुझे भाई बिल्कुल भूख नहीं थी अभी, तो अभी कोई ब्रेकफास्ट नहीं, बस आगे करेंगे दिन को खाना खाएंगे एक ही बार। चल पड़े ढाबे से, अब तो कम से कम 100 किलोमीटर तक कोई स्टॉप नहीं लेना, मुरादाबाद 34 मुरादाबाद पार करते हैं, तकरीबन 100 किलोमीटर निकालते हैं 2 बजे तक, तो बचेगा 300 किलोमीटर, फिर चलेंगे 11-12 बजे पहुँच जाएंगे मंडी में, ऐसे भी 11 बजे वहाँ पे कमेंट्री खुलती है, काफ़ी रश होता है, 12-12:30, 1 बजे वहाँ पे शाम खुलता है, देखा कोई नहीं है इस साइड, तो आगे सेंट्रल रोड में यहाँ पे ना देखो मुर्गे वाली गाड़ी मुर्गा लेके जा रही है छोटा रिक्शा। ये आगे टोल प्लाजा पे, टोल प्लाजा पे काफ़ी जाम रहता है यार, देखो पता नहीं क्यों आज सुबह सुबह जाम है, गाड़ियाँ भी इतनी नहीं है, शायद सर्विस डाउन है या क्या चक्कर है, पर आज मेरे लिए जाम थोड़ा फायदेमंद है क्योंकि मैंने अभी फास्ट टैग में रिचार्ज किया, अगर मैं जल्दी पहुँचता हूँ उनको गाड़ी, वो गाड़ी रिवर्स करते मेरी बोलते अभी हुआ नहीं, क्योंकि 5 से 10 मिनट लग जाते हैं वो अपडेट होने में पैसे, बस अब हो जाएंगे, फिर टेंशन नहीं है। चलो कल आए थे 70-80 में, तो तेल कल काफ़ी लगा, आज भाई उसको भरपाई करने के लिए 50-55-55-60 बिल्कुल हल्के RPM पे चल रहे हैं, 15-11 RPM का आराम से, तेल भी आराम से कहें ना अपने पास, मुरादाबाद रह गया यार अभी 20,000, पहले बार 34 था, अभी 47 था, 20 अप्रैली 17 किलोमीटर। आ गया मुरादाबाद सिटी वाला फ्लाईओवर, यहाँ से लेफ्ट साइड चलेगी मुरादाबाद सिटी, यहाँ की भाई बिरयानी काफ़ी फेमस है, यहाँ की और हैदराबाद की बिरयानी, मुरादाबाद बाईपास चल रहे हैं हम यार, यहाँ मुरादाबाद बाईपास पहुँचे थे, क्या बताएं यार, क्या इंसान क्या चले यार, रात को धुंध है, दिन को भाई पुलिस वाले परेशान करते हैं, अरे इतनी हाइट भी नहीं है हमारी गाड़ी की, देखो हमारे बोल रहे हैं ओवर हाइट, ओवर हाइट होती है जो गाड़ी की ज़्यादा, क्योंकि ना हाइट गवर्नमेंट ने उतनी पास कर रखी है, जितने कंटेनर होता है ना जो बंद बॉडी, तो उतनी हाइट पास है हमारी, पर हमारी हाइट देना पीछे से कंटेनर का आ रहा है, पर हमारी हाइट ना भाई उससे कम है, क्योंकि हमारे पास जैसे पेटी भी कम है, पर नहीं मानते हैं, तो उनके हाथ में फ़ोन है, तो सबसे मेन प्रॉब्लम तो ये होगी, तो ना डिजिटल हो गया ना, तो फिर हमें ज़्यादा दिक्कत होगी है, सब कुछ ऑनलाइन है अभी, डॉक्यूमेंट अपने सारे हैं भाई, कुछ अब आप ही जो भाई भी चलाते हैं या गाड़ी का, हमारी गाड़ी का चेक भी कर सकते हैं, हमारे पास सब डॉक्यूमेंट ओके हैं, लाइसेंस भी अपने पास है भी, दोनों के पास है भी, अब दोनों ड्राइवर हमारे, मैं और जेश, दोनों के पास है भी लाइसेंस है। सिटी पे यूज़ कर रहे हो तो चलान करो, हम सिटी पे देखो हमारा कारण है, हमने ठीक करवा के रखा यार।
आराम से इसलिए जो अगले बंदे को सुनाई दे। ले लेके लास्ट नहीं माने यार, 32,000 किराया इस बार में लगा, 70,000 के 32,000 में यहाँ देना पड़ गया दोनों गाड़ियों में। तो भाई क्या बचेगा, क्या खाएंगे इस चक्कर, वैसे भी बजट बढ़ेगा 4,000। तो भाई 2,000 रुपये लिया दोनों से, 4,000 रुपये लिया। और यार कैसे कैसे हमने दिए, 100-150 और तो 10-10 के डिब्बे भी लिए भाई यार। मतलब यार ये नहीं है कि थोड़ा कम ले ले, 3500 ही ले ले दोनों गाड़ियों का, और 500 नहीं थे भाई, होनी होती है फिर कैश किसी के पास। तो भाई जो है ना 10-10 के पॉइंट्स भी ले लिए ये थोड़ा सा बात या बाकी होगा। आगे तक कौन था यार, क्या जाने यार, क्योंकि जो मेन ऑप्शन था वो तो गाड़ी में होता है, आगे ही घूमने वाले होते हैं बस। आप आजकल फोन लिया, चलान कर देंगे, चलान कर देंगे यार। एक मेरा पहले भी चलान हुआ इसी चक्कर में, तभी हमारी कोई गलती थी, एक्सपर्ट हमारी गाड़ी चल। हाँ उसके बाद से टायर पंचर हुआ था यार। अब इस अब अगर टायर की मेरा पंचर हो जाएगा इसकी बार, हम एक्सपर्ट रुके थे हमारा टायर पंचर, उसमें से हमारा 500 चलान हो गया ऑनलाइन, बहुत उतनी मुश्किल से हमने पे किया। अभी पता नहीं हुआ या नहीं, हमें गाजियाबाद कोर्ट पर जाना पड़ेगा। तो दिक्कत आती है यार, मतलब यार वो तो काम है, कम से कम आप पूछो। अब टायर तो आया नहीं, फ्रंट से फोटो खींचा इन्होंने, हाँ वहाँ पे मेंशन कर दिया कि गाड़ी एक्सपर्ट पर खड़ी है यार। क्यों खड़ी है यार, कोई रीज़न होगा, क्या बोल सकते हैं यार, बिना मतलब 2,000 यार, 2,000 कमाने पे भाई बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा है। जो बंदा दिहाड़ी लगा रहा है, जब 400 या 500 दिहाड़ी मिलती है उसको पूछो भाई कितना टाइम लगता है। पास में बचे थे, हैं पास में पैसे, नहीं पैसे यार 50 निकल गए बस। आज खाना खाने के लिए पैसे नहीं बचे, इसका खाना भी नहीं आएगा, वो भी लगी है। क्या खाया भाई, थोड़ा थोड़ा खाना। अब यहाँ पे कैश फ्लो सिस्टम नहीं है, थोड़ा थोड़ा पे कर रही है। अब टायर भी पंचर हो गया साहब भाई गाड़ी पे, वो आगे बनवाएंगे टायर, पर ये दिक्कत है कैश नहीं है टायर वाले के पास, फ़ोन पे मुश्किल ही होगा ना। तो देख रहे इनसे ही ले लेते हैं जिससे बिरयानी ली थी, तो दूर इतनी ज़्यादा कि तो मूड ही ऑफ हो गया ना यार, आज का दिन ही ख़राब थोड़ा स्टार्ट हुआ, गाड़ी भी पूरी गंदी हो रखी है। निकले यहाँ से अपना साहिल भाई, गाड़ी का टायर पंचर, में आगे चल रहे हैं धीरे धीरे, देखते हैं यहाँ पे कोई वो हो ना हवा वाला टायर वाला। 2-3 मिले पर वो ना रोड के उस साइड मिले, पर यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, जगह नहीं है, बस लाए हुए चढ़ के उतर के शायद हो गए ढाबा या टायर वाला, तो वहाँ पे रुक के उनको बोलेंगे आ जाओ यहाँ तक धीरे धीरे, तो फिर स्टेपिंग लगानी पड़ेगी खोल के। रेलवे की पटरी पुल है वहाँ पे, 2 पुल सीधे सीधे। ओ वाह ट्रेन जा रही है यार, ट्रेन में सफ़र करने का अलग ही मज़ा है यार। ओए नीचे वो चल रहा है अभी राजेश पर ना, गाड़ी पूरी में तो कपड़े वगैरह धोए थे ना, पूरा गंद पड़ा और थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई यार, पता नहीं क्यों टांगों में दर्द स्टार्ट है थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की, तो इसलिए मैं भी रजाई में बैठा था। साहिल भाई का टायर पंचर था वो हमें मिला ही नहीं, और पीछे था एक दुकानदार वो रुके, फिर वहाँ बना के हम इंतज़ार कर रहे थे। अब रैली रह गया 54 किलोमीटर शाहजहानपुर 148। अब देखते हैं, अब रात को ही चलूँगा तो उधर राजेश चलाएगा 5-6 बजे तक, उधर आराम करते हैं फिर चलेंगे। बीमार इसलिए होता है इंसान ना, मौसम वगैरह चेंज होता रहता है। 283 किलोमीटर लखनऊ और टोल फिर से आ गया, पहले फास्टैग का पैसे चेक करने पड़ेंगे। अब बज गए शाम के 5 और मैं खुद चल रहे हैं। अब ये तो यहाँ पर सिटी है ना, सिटी में भी थोड़ा दिक्कत होती रहती है चलने में, शाम के टाइम तो रैश है, बाइक स्कूटर को देखना पड़ता है, 60-70 भी कपड़े चल रहे हैं। आगे फिर जो गाड़ी आ रही है उनसे पूछा, वो कह रहे हैं आगे धूप पड़ती है तो आप जल्दी निकलें, इतना जल्दी आप सफ़र कर सकते हैं और उनसे नहीं पड़ेगी, टाइम से पहुंच जाएंगे। पर भाई रोड है, रास्ता है, कुछ पता नहीं होता, जब भी जाम वगैरह आया था या टायर पंचर हो जाएगा तो टाइम टूटने का टूटेगा, एक टायर खोलने में बनाने में फिट करने में 1 घंटा लग जाता है भाई कम से कम। हल्का हल्का अंधेरा पड़ गया, लाइटें गाड़ी की पार्किंग लाइटें डिम लाइटें ऑन होगी, वहाँ इंडिकेटर्स भी ऑन कर रखे हैं, क्योंकि हम तेज चल रहे हैं ताकि थोड़ा सबको पता चले कि गाड़ी में फ्रूट भरा है। थोड़ा साइड छोड़ते हैं सब गाड़ी वाले, जो समझदार हैं वो साइड छोड़ देते हैं, बाकी ट्रक चलते हैं 50-55-60, हम 70 चल रहे हैं तो हमें गाड़ी को ओवरटेक करना पड़ता है।
चल रहे थे वहाँ, थोड़ा आगे पहुँचे, कहीं पता नहीं पहुँचे कहाँ पे। धूप की मंदिर में चाय पीते थोड़ा फ्रेश होते हैं, जो टायर वगैरह जाना, तो टायरों को भी रेस्ट हो जाएगी क्योंकि काफ़ी तेज़ चल रहे हैं, तो टायर पूरे गर्म हो रखे हैं। अब आ गई अपनी चाय, चाय पी के निकलते हैं। चाय वगैरह पीने के बाद फिर से अपने सफर पे कंटिन्यू, बस आप आगे जब खाना खाएंगे जब खाना पैक करवाएंगे, कोशिश है कि पैक करवाएंगे जाके मंडी पे खाएंगे, ताकि मंडी पे गाड़ी टाइम से पहुंच जाए। आगे है पहचान के बिरयानी वाले, यहाँ से पिछली बार ली थी, तो उसको रोटी लेनी है रोटी लेगा, तो दाल लेनी दाल ले लेगा, अपने अपने हिसाब से जो खाने का मन है। यहाँ है भाई, अब खाना भी अपना पैक हो गया, अब सीधा मंडी पे स्टॉप, यहाँ से करवा ली बिरयानी पैक, खाने पीने का सामान लेके ओके हो गया था, अब चल पड़े सीधा लखनऊ। हो गए 9:30 हो गए और लखनऊ अभी रह गया अपना 60-65 किलोमीटर ही ओनली, और इसके बाद एक टोल और आएगा, वहाँ से चला जाएगा लखनऊ 69 किलोमीटर, सॉरी 60-65, हाँ वही 69 ही हो गया, 70 किलोमीटर मतलब पहुँच जाएंगे 1.5 घंटे में। 9:30-11 बजे पहुँचेंगे मंडी में, आराम से 11 बजे खाएंगे खाना, फिर सोचेंगे सुबह जल्दी उठाएंगे क्योंकि खाली भी होगी गाड़ी में। सो गाइस एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया, मैं आज व्यापारी ने फ़ोन किया, हमने बोला हमारी गाड़ी नो एंट्री है इसलिए हम आराम से जा रहे हैं, हमें 11 बजे पहुँच जाएंगे, हम उसी टाइम से चल रहे थे, उन्होंने बोला नहीं आप लेट हो रहे हैं, उन्होंने बोला नो एंट्री, वो बोले आपका माल है, जोगी जी उनके कोई कज़न ब्रदर हैं शायद भाई ही लगते हैं, उनका ही माल है, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, तो आपकी गाड़ी को नो एंट्री नहीं होगी, अगर आप पहुँचते हैं हमें आप बताएं तो आपकी गाड़ी चली जाएगी। पर हम अब हमें कल पता होता फिर रात को हम रुकते ही नहीं, हम तो रात को इसलिए रुके कि हम उसी हिसाब से चलेंगे, हम 11 बजे पहुँचे, यहाँ पर भी रुकना है, अच्छा नींद हो जाएगी अच्छे से, पहले पता होता कि जोगी जी के भाई का एप्पल लोड है तो फिर हम तो चले जाते सीधा। पहुँच गए हम लखनऊ सिटी में भाई, सिटी का ही जाम है हल्का हल्का, पता नहीं किस चीज़ का जाम है, यहाँ पे मूँगफली आपको भी मिल रही है। पहुँचे मंडी में यार, रेस्ट कर रहे हैं, भूख लग रही है अभी, 11 बज गए ना, दिन के बच्चे से खाना नहीं खा पाए। पहुँच गए भाई मंडी, ये मंडी का मेन गेट, आगे साइड की गाड़ी, फाइनली भाई मंडी में 11 बजे, अपने 11:10 पे थोड़ा जाम की वजह से यहाँ पे होता है कांटा गाड़ियों का और कुछ डॉक्यूमेंट का इशू जो भी, और तब हमारी दो गाड़ियाँ अब यहाँ पे दिखाया बताया था कि कौन सी दुकान का माल है कहाँ का माल है, तो बस हमें पता है हमारी ये दुकान है यार, अब तो याद ही हो गई है, पहुँचे तो मेरे भूख लग रही है। यहीं लगाओ ना खाना खाएंगे पहले, अपनी गाड़ी भाई यहीं दुकान थी अपनी 2380 यहीं खाली होगा अपना माल, और भी गाड़ियां आ रही हैं, और चला गया हमारा बंदा बिरयानी लेके यार, पार्किंग में जाएगी गाड़ी वो क्योंकि उनकी दुकान की जगह नहीं है। और हमारे बूढ़े चाचा जी, चाचा जी क्या करिए चलें,